लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कोशिश मत करना, अगर तुमने शोर मचाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कोमल हो। क्यों आए तुम यहाँ? क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी चाहत ने ही आज मेरी यह हालत कर दी है। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ डैडी के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़े। इसकी जिम्मेदार हो तुम, तुम्हारा लालच। तुम रवि का खून करते। मैंने कोई खून नहीं किया, रवि जिंदा है, तुम्हारे सामने खड़ा है कोमल। यही साबित करने के लिए तख्ती मुझे यहाँ ले आई, पर आज कूदने वाला चाचा मेरी सच्चाई को साबित कर देगा। चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें चलना ही पड़ेगा। Hands up! छोड़ दो कोमल को, वरना शूट कर दूंगा। आपकी गोली चलने से पहले मेरा चाकू कोमल की गर्दन पर चल जाएगा अंकल। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिस चाल में मुझे उलझाया गया है उसे तोड़ने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, नहीं। ये लो, मुझे बाहर तक ले जाओ। मूव। कम ऑन भारत, तुम पागल हो गए, तुम्हें मालूम नहीं तुम क्या कर रहे हो। भारत, चाचा, अरे तू? चाचा कोमल को बताइए असलियत क्या है, मैं कौन हूँ और इस आरके कभी क्या आप ही ने किया, बताइए। ओ मैं चाचा, नहीं तुम नहीं मर सकते चाचा, मेरी सच्चाई की आखिरी गवाह सिर्फ तुम हो। अगर तुमने कोमल को सच नहीं बताया तो मेरा प्यार बर्बाद हो जाएगा चाचा। रवि,
से पहले चाचा ने मुझे सब कुछ बता दिया। आरके को पीके मैं नहीं बनाया था, रवि ही भरत है। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, इसके पहले कि वो पुलिस के हाथों पड़ जाए, उसे मेरे सामने पेश करो। उसे पाने के लिए हम अपनी सारी दौलत सारी ताकत लगा देंगे। बड़ा घमंड था कुमार को अपनी ताकत पर, अपनी दौलत पर। हमने उसे रोने पर, तड़पने पर, गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया। पाशा अंबानी साहब, कुमार को बर्बाद करने के लिए आप जो चाहे मैं कर सकता हूं। पुलिस और कुमार के आदमी उस हरामजादे छोकरे के पीछे हैं। तुम उस हराम के पिल्ले को अपने कब्जे में कर लो। कहिए तो उसे खत्म कर दूं। नहीं पाशा नहीं, वो छोकरा एक ऐसी चिंगारी है जो कुमार की लंका को जलाकर राख कर देगी। देख रहे हो अपने प्यार की जीत। इस जीत को पाने के लिए कितने दुख उठा रहे हो तुम। काश मैंने तुम्हारे प्यार को समझा होता, ना तुम भरत बनते और ना तुम्हारी हालत होती। छोटे मालिक, ये रहे आपके कपड़े और वो सब सामान जो आपने मंगाया था। थैंक यू। डैडी कैसे हैं लक्ष्मी? अब क्या बताएं छोटे मालिक, उन पर तो सिर्फ एक ही जुनून सवार है, भरत को तलाश करना और अपने हाथों से उसे खत्म करना। सत्यजीत और विकी का कुछ पता चला? सत्यजीत और विकी का कोई पता नहीं चला बीबी जी। हाँ, सलीम हॉस्टल में रहता है इतना मालूम हुआ है। हॉस्टल आ गया? हाँ, इसी बिल्डिंग के पीछे हॉस्टल है जहाँ सलीम रहता है। मैं भी उसे मिलकर आता हूँ। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं कोमल, मुझे अकेले जाना चाहिए। और वैसे भी बॉयज हॉस्टल है, तुम्हारा आना ठीक नहीं। मैं भी आता हूँ। बाबा जी। बाबा जी। ओ बाबा जी। कौन है? कौन है? कौन है? अरे रवि निकला, तुम आओ आओ आओ। अरे के सर से सिंह के माफी किधर गायब हो गया था? बाबा जी सलीम है। सलीम तो गया होगा अपने अनारकली के पास। आजकल उसके पास रोकड़ा बहुत आ गया है। इतना रोकड़ा उसके पास आया कि किधर से? वो सब रहने दो। कितने बजे तक आएगा? वैसे तो वो एक नंबर का टपोरी है, लेकिन उसमें क्वालिटी है कि अक्खा मुंबई का मजा मार के रात को ठीक 10 बजे वो हॉस्टल के अंदर आ जाता है। अभी तो 9:30 बजे। मैं उसके कमरे में इंतजार कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं विक्रम, भी तेरे, ये हॉस्टल भी तेरा और ये चाबी भी तेरा। चाय भाई भेजू के वो? लॉकअप से भागा हुआ मुजरिम, पकड़ने वाले को 50,000 का इनाम। पुलिस स्टेशन, पच्चीस साल की नौकरी में पहली बार 50,000 रुपया रोकड़ा एक साथ देखने को मिलेगा। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। नमस्ते नमस्ते। फोन आप ही ने किया था? फोन मैंने किया था। आइए ना, मैं बताता हूँ वो किधर है। इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किधर है? इधर किधर है? मैंने तो उसको इधर ही भेजा था। अभी उसका भेजा उसको किधर ले गए मेरे को नहीं मालूम।
घर को चारों तरफ से घेर लो, मुल्जिम यही कहीं होगा। नहीं मिला, लेकिन मुल्जिम पुलिस से बचकर नहीं जा सकता। शट अप। क्या हुआ मिला? यहाँ तो कोई नहीं है सर। बाबा जी जी, तुम एक नंबर का चर्सी दिखता है, बिना वजह हमारा टाइम खराब करता है। दोबारा पुलिस को गलत खबर दी तो अंदर कर दूंगा। साला हमारे नसीब में एक साथ में 50,000 रुपया देखने का लिखा ही नहीं है, तो कोई क्या करेगा। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। गोली नहीं चलाएगा, इसे हमें जिंदा पकड़ना है, पीछे करो।